इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहता वाला। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है। याद रखिए, मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या आपस में लड़ाई कराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस में हेट करते हैं और रोस्ट भी करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग खुद रोस्ट होना चाहते हैं। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर कैरी मिनाटी का वीडियो, लेट कैरी मिनाटी रोस्ट आमिर सिद्दीकी। ओके, इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार। रोस्ट की जब भी बात आती है तो बात होती है कैरी मिनाटी की, जो कि इंडिया के नंबर वन रोस्टर है, और ये बात सभी जानते हैं कि ये बंदा रोस्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं जो यूट्यूबर्स के बारे में खूब उल्टा सीधा बोल रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं। सच बोलो तो कंपैरिजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि YouTube का अलग लेवल है और TikTok का अलग है। YouTube की मंथली एक्टिव यूजर्स 27 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि एक महीने में 27 करोड़ से ज्यादा लोग YouTube पे एक्टिव रहते हैं, यानी वीडियोस देखते हैं। और अगर हम TikTok की बात करें तो TikTok पे 20 करोड़ है। हाँ, ये बात सच है कि TikTok बहुत ही जल्दी ग्रो किया है, सिर्फ 3 साल में मंथली एक्टिव यूजर्स 20 करोड़ कर लिया है। दोस्तों अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो TikTok का एल्गोरिदम बहुत ही घटिया है, क्योंकि TikTok पे कैसे भी वीडियोस वायरल हो जाती है। ये देखिए, क्या है इस वीडियो में, कुछ है फिर भी वीडियो वायरल है। एडुकेशन पर्पस वाली वीडियोस बहुत ही कम वायरल होती है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर आप स्टार बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको TikTok पे चले जाना चाहिए, क्योंकि TikTok पे आप बहुत ही कम टाइम में आप स्टार बन सकते हैं। TikTok पे ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, बस एक मोबाइल चाहिए और उसमें TikTok एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक लाइट चाहिए, फिर आप स्टार बन सकते हैं। YouTube में क्या है, YouTube में इक्विपमेंट्स की सख्त जरूरत होती है, जैसे कैमरा चाहिए, ये फिर मोबाइल चाहिए, उसके साथ माइक चाहिए, एक्सटर्नल माइक, फिर ट्राइपॉड, बैकड्रॉप, ग्रीन स्क्रीन, लाइटिंग सेटअप वगैरह, और सबसे मेन चीज रिसर्च करना होता है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। मैंने खुद 8-8 घंटे बैठ के रिसर्च किए हैं, तब जाके एक स्क्रिप्ट तैयार हुआ है। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये वीडियो बनाने में मुझे 8 दिन लगे थे, 8 घंटे नहीं दोस्तों, 8 दिन लग गए थे। कंटिन्यू काम कर रहा था, सिर्फ 3 घंटे ही सो पाता था, और टिकटॉकर को लगता है कि हमारा कंटेंट खत्म कर देंगे, जो खुद लिपस्टिक लगा के, मेकअप लगा के और बाल में जेल कलर वलर करके वीडियोस बनाते हैं और उन्हें अपना कंटेंट बताते हैं। ये बंदा बोलता है कि मैं एक चीज के पीछे भागता हूँ और वो है कंटेंट। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। एक बोल के 4 गिना रहा है। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। हाँ देख लीजिए, यही कंटेंट है इनका। नया चैलेंज ये है, अंडा इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे, और फिर ये वीडियो को डुएट करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन करना है। और ये बंदा खुद यूट्यूबर की कॉपी कर रहा है और सबको बता रहा है कि यूट्यूबर हमारा कॉपी कर रहा है, कमाल है भाई। तो कैसे हैं आप लोग, तो कैसे हैं आप लोग। और बात रही कंटेंट की, तो यूट्यूब की एक वीडियो टिकटॉक की 10-20 वीडियोस बन सकती है, क्योंकि टिकटॉक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, उसपे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन YouTube में ऐसा नहीं है, YouTube पे आप जितनी चाहे उतनी मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों मैं TikTok के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के बीच कंपैरिजन करके खुद को बेस्ट बताना चाहते हैं, यानी वो ये बताना चाहते हैं कि टिकटॉकर ही बेस्ट है। ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि मैंने खुद एक वीडियो बनाया था टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक से पैसे कैसे कमाएं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को जाके जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों फाइनली मेरा मानना यह है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के बीच आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी इंडियंस हैं। प्लेटफॉर्म चाहे कोई सा भी हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, डजंट मैटर, हमें यूनिटी कभी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि और मिलकर काम करना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट जानने का इंतजार रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी क्रिएटर्स तक ये बात पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।